नमस्कार, आज हमारे साथ है हार्दिक मेहता, अहमदाबाद में फेमस के डायरेक्टर। इस फिल्म को वर्ष 2015 का बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो हमारे साथ हार्दिक मेहता हैं बात करने के लिए। हार्दिक, हमें बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं इफ़ी में आके? बहुत अच्छा। इफ़ी गोवा में होता है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको गोवा आने का मौका मिलता है, और ख़ास करके नवंबर में जब गोवा की सीज़न भी शुरू हो रही होती है तो बहुत अच्छा वातावरण होता है, और उसी वातावरण में आप फिल्में देख रहे हैं तो और लोगों से मिल रहे हैं, तो ये हमें इस आने का यहाँ पे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। अहमदाबाद में फेमस, ये क्या क्या फिल्म, फिल्म की कहानी क्या है, क्या किस्से है, स्टोरी है, क्या मोटिव है इस फिल्म के पीछे? अहमदाबाद में फेमस, अहमदाबाद के जो काइट फ्लाइंग पतंग का जो पागलपन है उसके ऊपर फिल्म है, और फिल्म के जो फिल्म को देखा गया है 11 वर्षीय लड़के जैद खेड़ावाला की आंखों से, और वो लड़के में जो जज्बा है, जो पैशन है पतंग लूटने का, पतंग पकड़ने का, और उसी के थ्रू हम पूरे त्यौहार को देखते हैं। और जब हम एक्चुअली अहमदाबाद गए पहली बार और हमने देखा कि इस स्केल पे, इस पागलपन से, मतलब 6 साल का लड़का से लेके 60 साल के बूढ़े भी ऐसे ऐसे ही चल रहे होते हैं, तो हम देख के इतने हंसने लगे कि हमने सोचा कि इस पे एक फिल्म क्यों नहीं हो सकती। और तब हमें जैद भी मिल गया, जिसका एक ज़बरदस्त पैशन था काइट्स के लिए, और जैद और उसके दोस्तों का हम पीछा करते गए और फिल्म बनती गई। तो हमने 2014 और 2015 दोनों साल में जैद और उनके दोस्तों का पीछा किया, और 2 साल के बाद दूसरे साल में स्टोरी बाहर आई, और तब हमें पता चला कि ये क्या, जिस टेरेस के लिए वो लड़ रहे हैं और वहाँ पे टेरेस पे एक जमादार है जो उनको प्रिवेंट कर रहा है आने से, तो इस हंसी मजाकिया छोटे बड़ों के बीच की लड़ाई और उन सब के बीच की कहानी अहमदाबाद में फेमस है। अहमदाबाद में जो मकर संक्रांति या उत्तरायण होता है, बड़ा ही तेज तर्रार त्यौहार होता है, तो इसके बीच में, इस अफरा तफरी के बीच में फिल्म की शूटिंग करने का अनुभव आपका कैसा रहा? क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? दिक्कत तो ये थी कि क्या शूट ना करें, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था हमारे सामने, और लोगों का पागलपन, बच्चों का खाना पीना, म्यूज़िक, चिल्लाना, पतंग कट रही है, फंस रही है, गिर रही है, तो प्रेशर तो यही था कि मतलब शूट क्या ना करें। तो शूट तो हमने बहुत कुछ कर दिया था, और अहमदाबाद शहर का भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग है, खास करके जो आस्टोडिया विस्तार है जहाँ पे हमने शूट किया, लोग हमको अपनी अपनी टेरेसिस पे आके बुला रहे थे और बोले यहाँ से अच्छा एंगल मिल जाएगा आपको, वहाँ से अच्छा एंगल मिल जाएगा, और मेरे थोड़े लंबे बाल हुआ करते थे तब, तो उनको लगता था कि भाई हाँ ये कोई आया है भाई कैमरा लेके, तो इसको हम इन्वाइट करते हैं। तो और सब लोगों ने अपने घर से दरवाजे खोले, खाना वाना खिलाया, और जैद और उसका पूरा मोहल्ला जो है, उन लोगों ने हमें बहुत एंटरटेन किया मतलब, और उनके दोस्त वगैरह हमें सब जगह मार्केट में लेके गए, या टेरेसेस पे लेके गए, इनफैक्ट आखिरी दिन उत्तरायण का हमने जैद के परिवार के साथ खाना भी खाया था, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फिल्म के बारे में काफ़ी सराहना मिली है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गुजराती फिल्म को ले जाने का आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे अच्छी बात ये, हमारे फिल्म आधे घंटे की है, तो हमने पता नहीं, थिएट्रिकल तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें मिलेगा, लेकिन हमने सोचा फिल्म फेस्टिवल्स देख सकते हैं, और पतंग की जो पागलपन है और पतंग का त्यौहार जिस तरह से अहमदाबाद शहर मनाता है, वो देख के बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स अब्रॉड में खुश हो गए, तो बहुत सारी जगहों से हमें इनवाइट मिला था, और ख़ास करके हॉट डॉग्स जो कनाडा का और नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्रीमियर मोस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल होता है, और इंडिया से वहाँ सिर्फ 2 फिल्में थी इस साल, उनमें से हमारी एक थी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि हमें हॉट डॉग्स जाने को मिला, और वहाँ से फिर हमें और भी फिल्म फेस्टिवल्स, हम अल जज़ीरा जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी चैनल है, अल जज़ीरा का अवार्ड हमें मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का, और फिर इंडिया में मतलब मुंबई इंटरनेशनल फेस्टिवल नेशनल अवार्ड, और अब इफ़ी में, तो मतलब एक आधे घंटे की फिल्म की इतनी बड़ी जर्नी तो हमने कभी सोची ही नहीं थी, तो इस चीज़ से मैं और आकांक्षा जो प्रोड्यूसर इस फिल्म की है, आर्या हमारी दूसरी प्रोड्यूसर भी है, हम मतलब हम तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं कि एक फिल्म इतना कुछ ट्रैवल कर सकती है और इतना लोगों को पसंद भी आ सकती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, क्या क्या नवीनता आप इस फिल्म के ज़रिए, आप वो कौन सा नया तरीका है जिससे इस फिल्म को बनाया गया है?
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग खास करके ना हमारे यहाँ लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि वो बोरिंग होगी, कुछ हमें सिखाएगी, एकेडमिक टाइप होगी, वॉइस ओवर एक आएगा जो आपको बताएगा अब ये लड़का वहाँ जा रहा है, अब ये शेर वहाँ से वहाँ कूदेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म मेकिंग ही एक लैंग्वेज है, कि आप हिंदी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, लेकिन आप फिल्म जब देखते हैं तो आप समझ जाते हैं चीज़ें। तो इसीलिए हमने कोई वॉइस ओवर या ऐसा कुछ भी नहीं रखा, और जो जो हो रहा है उसके साथ हम फॉलो करते गए जैद और उनके ग्रुप के साथ, और चीज़ें निकलती गई क्योंकि हम जितना शूट कर रहे थे पता चलता गया, जितना उन लोग और कैमरा के सामने कंफर्टेबल हुए उतना और चीज़ें वो कहने लगे। तो हमने टॉकिंग हेड्स जो कि एक इंटरव्यू स्टाइल होता है वो रखा है थोड़ा सा फिल्म में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शहर और ये लड़के के पागलपन के द्वारा हमने ये फिल्म देखी है। तो एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री को हमने एक थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया है, कि ना कि एक कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ें होनी ही चाहिए या टेक्स्ट होना चाहिए या वॉइस ओवर, ये सब चीज़ें हमने नहीं रखी हैं। एक यंग फिल्म मेकर होने के नाते जाहिर है आपको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें भी आई होगी फिल्म बनाते समय, तो वो क्या दिक्कतें थी और किस तरह से आपने उसका सामना किया वो ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। फिल्म बनाने में खास करके दिक्कत तब होती है जब आपने शूट कर लिया हो और आपको पता नहीं कि अब इसका क्या करना है, पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, फोली, ये सब फेस्टिवल्स में भेजना, ये सब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और आप शूट में शूट तो आपने खुशी खुशी कर दिया, मतलब आपके टीम एक छोटी सी टीम के लेके, लेकिन जो पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब जो होता है तो वहाँ बहुत समय लग जाता है। तो आकांक्षा हमारी प्रोड्यूसर जो है और मेरी वाइफ भी है, तो वो नौकरी कर रही थी और घर पे पैसे ला रही थी, और मैं जो था घर बैठ के एडिट कर रहा था तब। तो ये 3 महीने जो थे वो थोड़े से मतलब इंटरेस्टिंग थे हमारे लिए, कि मैं हाउस हस्बैंड कम एडिटर करके बैठा हुआ था और वो जो है घर को चला रही थी और फिल्म के लिए भी फंडिंग इकट्ठा कर रही थी। और फिर आर्या हमारी और एक प्रोड्यूसर है जो पोस्ट प्रोडक्शन में आई, उन्होंने भी फाइनेंस किया, तो उन्होंने जब एक कट देखा तो इस तरीके से मतलब चीज़ें जुड़ती गई और कारवा बन गया और ये फिल्म हमारे हाथ में है। और एक आखिरी सवाल, बहुत सारे यंग फिल्म मेकर आपको देख रहे होंगे, आपसे आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? खास तो ये है कि अब जब डिजिटल का दौर आ चुका है, हम सबके पास अपने अपने फिल्म कैमरा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी अपनी कहानियाँ, हम जहाँ से आते हैं, अपने घरों से, अपने देशों से, अपने गाँवों से, वो हम कहें, क्योंकि अब हमें बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर के घर ठकठकाने की, दरवाज़ा ठकठकाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे पैसे दो फिर ही मैं फिल्म बना पाऊँगा। अब हम सब के पास आज़ादी है, हम डेमोक्रेटिक मीडियम में हैं, तो हम सबको अपनी अपनी फिल्म में कहने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बस मेहनत करनी है और हार्डवर्क करना है, जिसका कोई उपाय नहीं है, जहाँ कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। तो आप अपने हाथ खुद गंदे कीजिए, फील्ड में जाइए, अपने आप फिल्म बनाइए और देखो, शायद हमने भी ये नहीं सोचा था 1 साल पहले कि ये फिल्म यहाँ यहाँ तक पहुँच जाएगी, और अब मतलब अब ये आलम है। तो शुक्रिया हार्दिक हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हार्दिक मेहता, अहमदाबाद में फेमस के डायरेक्टर। थैंक यू।